हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण स्वागत करता हूं आपका कैरियर क्राफ्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मैं आपके सामने हाजिर हूं मेरे भाई एक दुख खबरी के साथ। खुशखबरी तो हम कह नहीं सकते क्योंकि आपको पता चल ही गया होगा कि थोड़ी थोड़ी देर पहले एसएससी की साइट पर एक नोटिफिकेशन आया था। और नोटिफिकेशन क्या है आपके सामने दिखाई दे रहा है। सर, आपको पता है कि एसएससी जीडी का अभी पेपर हुआ था और कब से कब तक चला था? तो 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक जो पेपर आपका चला था। अब हुआ क्या है कि उन्होंने ये जो इंपोर्टेंट नोटिस जारी किया है, इसमें क्या दे रखा है, उस इंफॉर्मेशन पर क्या इंफॉर्मेशन है और इसमें क्या बताया गया है, उस पर चर्चा करते हैं। तो मेरे भाई, इसमें बताया गया है कि स्पेसिकल टेक्निकल रीजन के कारण नोटिस इज द रिव्यू ऑफ द क्या मतलब एग्जामिनेशन ए नीड हैज द विन फेल्ट टू हेल्ड री एग्जाम ऑफ कैंडिडेट। कहने का मतलब क्या है मेरे भाई, आपका री एग्जाम होने वाला है और कुछ शिफ्टों का क्या है, पेपर को कैंसिल कर दिया गया है। कुछ शिफ्टों का पेपर आपका दोबारा होगा, इन्होंने इस नोटिस में कहा गया है। कुछ शिफ्टों का जो पेपर है री एग्जाम होगा। आपके लिए इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन और क्या होने वाली है, इसमें क्लियर मेंशन कर रखा है कि आपका जो पेपर होगा 30/3/2024 से 30/3/2024 को होगा। तो कहने का मतलब क्या है मेरे भाई, 30 तारीख से दोबारा से री एग्जाम होने वाला है। तो आपको पता है मेरे भाई, बड़ा गंभीर मुद्दा बना हुआ है कि पेपर कभी लीक हो जा रहे हैं, पेपर कभी कैंसिल हो जा रहे हैं। और 2024 में तो मेरे भाई पेपरों पे इतना बड़ा संकट आ गया है कि नौकरी अब लग नहीं रहा कि आसान रह गई है। क्योंकि बच्चा मेरे भाई, जो जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके सिर पर मेरे भाई इतना संकट मंडरा रहा है। एसएससी ने थोड़ा सा रीजन दे दिया कि टेक्निकल इशू होने के कारण हम पेपर को क्या कर रहे हैं, री एग्जाम करा रहे हैं। कोई इन्होंने वैलिड रीजन नहीं दिया है किस कारण से आप पेपर को कैंसिल कर रहे हो, क्या दिक्कत हुई है, क्या पेपर में मेरे भाई कोई धांधलेबाजी हुई है, इन्होंने कोई वैलिड रीजन नहीं दिया। तो सबसे बड़ी दुविधा की बात तो बच्चों के लिए यही है मेरे भाई। बहुत सारे बच्चे जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए मेरे भाई एक एक दिन मेरे भाई 14 साल के वनवास के बराबर होता है। वो संघर्ष उनके लिए बहुत ज्यादा मजबूर कर देता है मेरे भाई। एक एक दिन की कीमत होती है उन बच्चों के लिए। और फिर से आपने ये नोटिस जारी कर दिया और आपने कह दिया कि ये एग्जाम होगा मेरे भाई, आप तैयार हो जाओ, 30/3/2024 को आपको दोबारा एग्जाम देना है। कोई इन्होंने इस एग्जाम में वैलिड रीजन बताया ही नहीं है, इन्होंने बस थोड़ा सा लिखा है टेक्निकल इशू के कारण, टेक्निकल रीजन के कारण क्या करने वाले हैं जी, री एग्जाम को लेने वाले हैं। और कुछ इसमें बता नहीं रखा है, एसएससी जीडी का पेपर होने वाला है, कुछ शिफ्टों का जो पेपर है मेरे भाई री एग्जाम होगा और इन्होंने डेट भी मेंशन कर रखी है। अब हमें ये देखना है कि कौन कौन सी शिफ्टों का पेपर जो है, किन किन शिफ्टों का पेपर कैंसिल किया गया। तो देखते हैं मेरे भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं जिनका पेपर कैंसिल हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर, आपके लिए क्या इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन होने वाली है। मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मेरे भाई नौकरी इतनी आसान रही नहीं है, क्योंकि नौकरी लेना इतना आसान नहीं है। कभी तो पेपर लीक हो रहे हैं, कभी पेपर कैंसिल ही किए जा रहे हैं और कोई भी वैलिड रीजन नहीं दिया एसएससी ने। इस बात का बड़ा दुख है कि एक नोटिस में उन्होंने कह दिया कि टेक्निकल इशू होने के कारण दोबारा से बच्चों का री एग्जाम होगा, डेट भी दे दी, पर कोई वैलिड रीजन नहीं है। सर, पेपर कैंसिल क्यों किया, इसका रीजन तो बताओ, कारण क्या रहे। टेक्निकल इशू मेरे भाई एक सेंटर पर हो सकता है, दो सेंटर पर आ सकता है, ऑल इंडिया लेवल का पेपर था, आपने कोई वैलिड रीजन नहीं दिया इसका, आखिरकार पेपर में कोई धांधलेबाजी हुई, आखिरकार हुआ क्या, आपने कुछ नहीं बताया। आपने एक छोटा सा पॉइंट मेंशन किया और आपने नोटिस जारी कर दिया। बहुत संघर्ष होता है, बहुत तपस्या होती है बच्चों की मेरे भाई, बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी होती हैं कि भर्ती जल्दी से हो जाएगी और नौकरी मिल जाएगी, और इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। अब देखते हैं कौन कौन से सेंटर हैं जिनका री एग्जाम होने वाला है। इन्होंने क्लियर मेंशन कर रखा है, इसे पढ़ लो, कैंडिडेट ऑफ द सिटी जीडी एग्जाम 2024 फॉर री एग्जाम के लिए इन्होंने क्लियर बता रखा है कि किन किन का री एग्जाम होने वाला है। अब देख लो मेरे भाई, एलायंस हाउस इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सीआर कानपुर रीजन का, देखो कानपुर का, यहां भी कानपुर दे रखा है, यहां भी कानपुर दे रखा है, 5/3/2024 डेट दे रखी है। दूसरी शिफ्ट का 126 बच्चों का क्या होगा, री एग्जाम होगा। 126 बच्चों का क्या होगा सर, री एग्जाम होगा। इसमें मेरे भाई आ जाओ 7/3/2024 में, चौथी शिफ्ट का 132 बच्चों का री एग्जाम होगा। आपके पास एडमिट कार्ड होगा, आप अपनी शिफ्ट को देख लेना, क्या आपका मेरे भाई कानपुर सेंट्रल में, सीआर कानपुर में सेंटर था, क्या आपका पेपर चौथी शिफ्ट में था, पूरी शिफ्ट का ही पेपर कैंसिल है महाराज।
पूरी शिफ्ट के ही पेपर को कैंसिल कर दिया गया है। कहने का मतलब चौथी शिफ्ट में 132 बच्चे थे कानपुर पर मिलवाई 7/3/2024 को, पूरी शिफ्ट का पेपर कैंसिल। और आप देख लो इस तरीके से कानपुर कानपुर कानपुर, फिर मिलवाई बनारस बनारस बनारस, फिर लखनऊ में लखनऊ लखनऊ, फिर रुड़की में किया गया। तो आप देख पा रहे हो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे, ये आपको शिफ्ट दे रखी है और किस डेट में आपका पेपर हुआ था। तो ये मिलान जरूर कर लेना, आपका भी पेपर हो सकता है, आपका भी पेपर मेरे भाई कैंसिल हो सकता है और दोबारा रीएग्जाम हो सकता है। अब देखो आप इसे मेरे भाई जितने भी इसमें जितना भी नोटिस है मैं आपको दिखाने वाला हूं। सबसे बड़ी दुविधा की बात यह है कि सबसे ज्यादा जो सेंटर दे रखे यूपी के दे रखे हैं, बल्कि ये ऑल इंडिया लेवल पर पेपर था। आपको पता है अभी यूपी पुलिस का पेपर भी लीक हुआ था मेरे भाई, यूपी पुलिस का पेपर भी रद्द कर दिया, आरओ एआरओ का पेपर रद्द होगा। और आपके सामने एक और संकट की घड़ी आ गई सर, एसएससी जीडी, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे भाई। एसएससी जीडी में भी क्या हो रहा है, पेपर री एग्जाम होगा, दोबारा से पेपर लिया जाएगा। और देखो सबसे ज्यादा जो सेंटर दे रखे ना यहां भी आपको मेरे भाई यूपी के ही दे रखे, उत्तर प्रदेश के। आप देख लो उत्तर प्रदेश के, देखो यहां देखो मेरे भाई लखनऊ दे रखा है, बनारस दे रखा है, बनारस दे रखा है, बनारस दे रखा है, आगरा दे रखा है, प्रयागराज दे रखा है। तो इस नोटिस में भी सबसे ज्यादा लखनऊ के देखते हैं। आगे दिखाता हूं, अगली स्लाइड आपके सामने हाजिर है। आप पेशेंस बनाए रखे, पूरे नोटिफिकेशन को एक बार हम देख लेते हैं। तो आपको शिफ्ट वाइज भी दे रखा है, शिफ्ट वाइज भी दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी दे रखे हैं और तारीख भी दे रखी है, किस शिफ्ट का कैंसिल हुआ है, किस तारीख का पेपर कैंसिल हुआ है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट उस शिफ्ट में कितने थे, सारी चीजें नोटिस कर रखी हैं इस मेरे भाई, इसमें सारी चीजें मेंशन कर रखी हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। अब देखो मेरे भाई यहां और दिखाओ यूपी के सेंटर जी, ये आपको यूपी के सेंटर कानपुर फिर से आ गया, कानपुर गाजियाबाद गाजियाबाद गाजियाबाद, देख रहे हो सबसे ज्यादा घपला मेरे भाई उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उत्तर प्रदेश की सरकार में ही घपला हो रहा है। क्यों हो रहा है मेरे भाई, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सेंटरों पर पेपर की दिक्कत आ रही है। ऐसा क्या हुआ, ऐसा कोई एसएससी ने वैलिड रीजन नहीं दिया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि इन बच्चों का मेरे भाई दोबारा पेपर लेने वाले, री एग्जाम होगा, तारीख आपको पहले ही दे रखी है। आगे बढ़ते हैं, आगे नोटिस में क्या दे रखा है सर, आ जाओ ये पेज भी दे रखा है, यहां देखो गाजियाबाद 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 गाजियाबाद, इतने लोग थे, 241 लोगों का कैंसिल हुआ, फर्स्ट शिफ्ट का हुआ 29/2/2024 को। अपना देख लेना आपके पास एडमिट होगा, कहीं आप 29/2/2024 फर्स्ट शिफ्ट के कैंडिडेट तो नहीं हो, उसमें 241 स्टूडेंट थे, आपका भी पेपर मेरे भाई कैंसिल है, आपका पेपर कैंसिल है तो आपको दोबारा पेपर देना पड़ेगा। सारी शिफ्टों का पेपर कैंसिल नहीं हुआ, सारी शिफ्टों का पेपर सर कैंसिल नहीं हुआ, लिमिटेड शिफ्टों का पेपर कैंसिल हुआ है। और सबसे ज्यादा जो आपको दिखाई दे रहा है यूपी में ही दिखाई दे रहा है, देखो यहां आ जाओ प्रयागराज प्रयागराज मेरे भाई, ये भी प्रयागराज है, ये भी प्रयागराज, मेरठ 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 मेरठ, देख लो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, पूरा नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूं, आगे आ जाओ मेरे भाई, फिर से मेरठ आ गया, फिर से मेरठ, फिर से मेरठ 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 मेरठ, कानपुर, न्यू दिल्ली, प्रयागराज प्रयागराज, यहां भी प्रयागराज है, लखनऊ का है, लखनऊ का, लखनऊ का। कहने का मतलब इस नोटिफिकेशन में सबसे ज्यादा जो सेंटर दे रखे हैं, जिन पे मेरे भाई दिक्कत आई है, जिनका री एग्जाम कराने वाला कराया जाएगा दोबारा से, वो मेरे भाई सारे उत्तर प्रदेश के दे रखे हैं मैक्सिमम, कुछ है जो अन्य राज्यों पे भी दे रखे हैं। आपको पता है एसएससी जीडी की जो वैकेंसी होती है वो ऑल इंडिया लेवल की होती है। तो मेरी समझ में मेरे भाई सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि मेरी समझ में ये नहीं आ पाया कि ऐसा इन्हें क्या हो गया, ऐसी क्या दिक्कत आ गई, कोई वैलिड रीजन इन्होंने दिया नहीं और नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि टेक्निकल दिक्कत हुई है, टेक्निकल इशू हुआ है, उसके कारण हम क्या कर रहे हैं पेपर को कैंसिल कर दे रहे हैं। आगे देखते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितनी शिफ्टों का सर पेपर दोबारा होगा, तो मेरे भाई 81 शिफ्टों का पेपर दोबारा से होगा, 81 शिफ्टों का क्या होगा सर पेपर दोबारा होगा। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने दोबारा से पेपर देने वाले हैं, तो 16,185 मेरे भाई दोबारा से कैंडिडेट पेपर देने वाले हैं। तो आपको पता है मेरे भाई मेरिट में भी अब दिक्कत होने वाली है, मेरिट में भी आपको दिक्कत होने वाली है। आपको पता है 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 160 नंबर का क्या होता है पेपर होता है मेरे भाई, और 1/4 की यहां शायद नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो आप देख लो मेरे भाई इस तरीके से आपके साथ भी खिलवाड़ हो रही है। हमें ये सबसे बड़ी दुविधा यही है कि एसएससी का जो जीडी का नोटिफिकेशन इन्होंने डाला है कि री एग्जाम कराएंगे, इन्हें वैलिड रीजन देना था, क्या कारण रहे। एक सेंटर पर दिक्कत हो सकती है जनाब, सारे सेंटरों पर दिक्कत नहीं हो सकती। टेक्निकल इशू आज तक ऑनलाइन पेपर में आया नहीं है, ऐसी क्या दिक्कत रही इनकी कि इन्हें मेरे भाई 81 शिफ्टों का पेपर कैंसिल करना पड़ा। क्या यहां भी धांधलेबाजी हो सकती है मेरे भाई, ऑनलाइन में भी पेपर लीक होता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि ऑनलाइन में पेपर लीक नहीं होता।
पर पता ना चले ये एक बात अलग है, पर ऑनलाइन में भी पेपर लीक हो जाते हैं, ऐसे मामले होते हैं। तो आपको मेरे भाई सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये आपके सामने पूरा नोटिफिकेशन था, मैंने आपको बता दिया, आप अपना देख लेना किस शिफ्ट में और मेरे भाई कौन सी तारीख को आपका पेपर था, कहीं आपका पेपर तो कैंसिल नहीं हुआ, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको देनी थी, यही आज हमारे लिए क्या थी मेरे भाई, दुख की खबरी थी जो मैंने आपके सामने साझा किया। तो आपको एक बार मेरे भाई मेन पेज पर मिल आता हूं, आपको क्लियर इन्होंने कह रखा है जो आपका पेपर था 20 फरवरी 2024 को स्टार्ट हुए थे एसएससी जीडी के और 7 3 2024 को खत्म हो गए थे, पर इन्होंने टेक्निकल रीजन के कारण नोटिस दोबारा से जारी कर दिया। इन्होंने कहा है कि री एग्जाम क्या होगा, होल्ड कराया जाएगा, उन्हीं कैंडिडेटों का कराया जाएगा जिनके मेरे भाई जिनके सेंटर पर क्या हुई है, दिक्कत हुई है टेक्निकल इशू की। तो इन्होंने 16,000 जो आंकड़ा दे रखा है आपको, कितना बच्चों का दे रखा है, 16,100 कुछ के लगभग, दिखा देता हूं दोबारा से, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 16,185 लोगों का दोबारा से पेपर होने वाला है। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, यही आपके लिए मेरे भाई दुखखबरी थी। जय हिंद, वंदे मातरम।